अच्छे से यूज कर रहा था, कोई भी सीन नहीं था, कोई भी सीन नहीं था। मतलब ऐसे देखने जाओ तो मेरा 2 तारीख को मेरा फोन बंद हो गया, चलते चलते सडनली बंद हो गया। मैं अब इसका इशू क्या था, वो बेसमेंट आईसी ऐसा कुछ था ना बीस, और उन लोग बोल रहे कि नहीं आपने गिराया, मतलब वो लोग मुझे झूठा साबित कर रहा है। हेलो दी गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, हियर आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू व्लॉग। सो एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अभी आईफोन जहाँ से मैंने लिया था वहाँ पे। मे भी आपको टाइटल थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आप लोग कह सकते हो कि UK07 मतलब अनुराग भाई का जो इशू आता वो इशू यहाँ पे हो रहा है। मेरा फ़ोन एक्चुअली मैंने लेके लाइक 13 या 14 डेट को मैंने वीडियो डाला है, मैंने उस दिन फ़ोन लिया था। उसके बाद मतलब आज की डेट, मतलब ऐसे देखने जाओ तो मेरा 2 तारीख को मेरा फ़ोन बंद हो गया, चलते चलते सडनली बंद हो गया। मैं स्टोरी दिख रहा था, लॉक किया, अंदर डाला, मैं शॉप की चाबी लेने गया, मतलब शॉप पे जाना था। घर से बाहर निकल के मैंने जब मोबाइल निकाला तो मोबाइल चालू नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी स्क्रीन नहीं आ रहा, कुछ चालू नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। मैंने दबा के देखा, मतलब जो मेरा फ़ोन था उसमें 4 स्टार भी नहीं होता। 4 स्टार क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका ऑलरेडी वॉल्यूम लो वाला बटन काम नहीं कर रहा था। मैंने फ़ोन तो नया लिया है बट हांगकॉन्ग से आया था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आने में कुछ हो गया होगा तो उन्होंने बोला था कि मेरी जिम्मेदारी, मैं करवा के दूंगा। वो चीज़ अभी तक शॉर्टेड नहीं हुआ, मैं क्योंकि वो करवाने गया था तो उसका भी उन्होंने बोला बाद में कभी करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला इशू मतलब आया कि फ़ोन बंद हो गया। मैं उनके पास फ़ोन लेके मतलब दे दिया, 2 दिन हो गया बात को, फ़ोन उनके पास है, सैटरडे को दिया था, संडे और आज मंडे, तो अभी मैं उनके पास फ़ोन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यह सारे इशू बता रहा हूँ कि 1 महीना भी नहीं हुआ फ़ोन लेके और ये चीज़ें हो रही है, लाइक क्यों, और मेरे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इसका बेसमेंट आईसी है ना वो क्रैक हो गया। बेसमेंट आईसी कैसे क्रैक हो सकता है यार, वो बोल रहे हैं कि फ़ोन गिर गया, ये हो गया वो हो गया। कसम से मेरा फ़ोन गिरा तक नहीं, गिरा मतलब मैं इधर से लेके यूँ बेड पे इतना, समझ रहे हो, इधर से यूँ बेड पे इतना तक मेरा नहीं फ़ोन गिरा। मैं ऐसा रखता भी नहीं हूँ फ़ोन, लिया तब से मैंने कवर डाल दिया है, टफन ऑलरेडी था, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। पता नहीं क्यों बट इन लोग बोल रहे हैं फ़ोन गिरा है, बेसमेंट आईसी, या तो फिर इन लोग चीट कर रहे हैं या तो फिर कोई और इशू है, कुछ पता नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे देखता हूँ। ये फ़ोन में ना एक्स्ट्रा जूम, मतलब एक्स्ट्रा जूम नहीं है मेरे को, एक्चुअली उन्होंने iPhone 8 यूज़ करने के लिए दिया, ऑब्वियसली उसको उनको यूज़ करने देना ही पड़ेगा, राइट। 1 महीना भी फ़ोन हुआ नहीं और मेरा फ़ोन इस तरीके से बिगड़ रहा है, इस तरीके से बंद हो रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि मेरी गलती होगी। आई स्वेयर मैंने फ़ोन, मेरा ना फ़ोन मैं बोल रहा हूँ ना वही चीज़, मैंने यहाँ से यहाँ तक मतलब गिरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं रखता भी हूँ ना एकदम आराम से, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे पूरा मिरर है, उसमें कुछ होगा तो 5-6 हज़ार का मिरर आएगा, आगे से कुछ होगा तो बहुत महंगा खर्चा आएगा, राइट। बड़ी मुश्किल से इतने टाइम के बाद फ़ोन आया, अच्छा तो ऑब्वियसली मैं केयर करूँगा, राइट। अब जाते हैं वहाँ पे, और इसका एक्चुअली आपको क्लियरिटी कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता, बट वो वाले फ़ोन में मैं 4K ही यूज़ करता हूँ, राइट। तो कोई नहीं, लेट्स सी, वहाँ जाते बात करते आपको बताता हूँ। हम लोग आ गए श्याम भाई के पास फिर से, काम बढ़ गया था इसलिए। एक्चुअली ये फ़ोन मेरा जैसे आप मैंने बताया था वैसे बंद हो गया था, श्याम भाई ने अभी उनके पहचान वालों से करवा के दिया है। अब इसका इशू क्या था, वो बेसमेंट आईसी ऐसा कुछ था ना, बेसमेंट आईसी कुछ क्रैक हो गया था, पता नहीं क्या रीज़न था। अब मैं बात करता हूँ सोहन भाई से, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। अब मैं सीधा ये फ़ोन के कैमरे से मिलूँगा आपको। सो फाइनली गाइस, आई एम बैक ऑन माय फ़ोन, और इससे थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि मैं जो 8 में कर रहा था तो उसमें मेरा फेस जूम आ रहा था, वो मैं आपको क्लिप दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि मेरा पूरा कवर होगा। अब एक और एक छोटा सा प्रॉब्लम है बट हो जाएगा, ठीक है ना, चलो वो भी हो जाएगा। तो दैट्स इट, अभी फ़ोन लेके मैं घर पे जाता हूँ, और श्रवण भाई ने मोटा खर्चा करवाया है, देखते हैं अभी। तो जाते हैं घर, जाते हैं, और आज मेरी बहन का मतलब गरबा है, सो उसमें और सॉरी गाइस वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं घर के फंक्शन में हूँ, इसलिए कल मैं आपको वीडियो दूंगा पक्का। सो हेलो गाइस, आई एम बैक फ्रॉम माय फोन, फाइनली मेरा फ़ोन मेरे हाथ में आ चुका है। बट अब सीन इसमें ये था, कोई भी जगह पे क्रैक या कुछ मेरे को लगना चाहिए, स्क्रैच लगना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर गिरा है तो मैंने उनको बोला कि अगर तुम गिरा है तो तुम मुझे बताओ, या ऐसा कुछ इश्यू है तो बोलते कवर में गिरने के बाद भी आईसी ब्रेक हो सकता है, ये होता है वो होता है। भाई कवर में इतना खर्चा क्यों करते हैं लोग,
क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ब्रेक ना हो, कुछ भी मतलब छोटा मोटा चीज़ ना हो, राइट। और मेरा कवर भी ऐसा वैसा मैंने कवर नहीं लिया, मैंने कवर इस तरीके का लिया है कि उसको गिरेगा भी नहीं तो भी कुछ उसको नहीं होगा, राइट। और उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपने गिरा है, मतलब वो लोग मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, बट खुद को ऐसा बना रहा है कि नहीं हमने आईसी किया। मुझे नहीं पता उन लोग ने किया या नहीं किया, कुछ आइडिया नहीं। और एक और चीज़ था, आईसी मतलब फ़ोन मेरा बंद हो गया था, ठीक है। तो फ़ोन चालू करने के लिए सिर्फ आईसी डालने का ज़रूरत था, तो उसमें मेरा पासवर्ड मांग रहे हैं। पासवर्ड क्या था, कैसे मतलब अनलॉक करो, इसका क्या, उसका, वो सब चीज़ की क्या ज़रूरत है। अगर आपको मतलब फ़ोन चालू करना है तो आप चालू करके मुझे दे दो, दैट्स इट, राइट। अब पता नहीं इन लोग ने क्या किया है क्या नहीं किया, और उन लोग अभी मुझसे मांग रहे कुछ 7,500 रुपीज़। फ़ोन लेके अभी एक महीना भी नहीं हुआ, समझ लो। ये मैंने फ़ोन लिया था श्रीधर आईपैड स्टोर से, बता रहा हूँ मैं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ, श्रीधर आईपैड स्टोर से। मैं पता नहीं मैं सजेस्ट करूँ या नहीं करूँ, बट मैं अब तो मे भी किसी को प्रीफर, मैं पहले प्रीफर करता था कि हाँ चलो ठीक है आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोई भी सॉल्यूशन, बट अब मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि श्रीधर के पास जाओ, श्रीधर आईपैड स्टोर के पास जाओ कि आपको फ़ोन या कुछ मिलेगा, दैट्स इट। मुझे कुछ बताना नहीं है, अभी मेरा फ़ोन मेरे पास में है, ठीक है। और क्या ये वर्थ है, आप लोग मुझे बताओ, मतलब क्यों ऐसा। ये उन लोग की गलती है, ये उन लोग की गलती है, फ़ोन में प्रॉब्लम था, कुछ अच्छे से यूज़ कर रहा था, कोई भी सीन नहीं था। पॉकेट में डाल के निकल रहा हूँ, फ़ोन निकाला बंद, क्यों। और मैंने दो तीन जगह पे बात किया, इवन एप्पल स्टोर में मेरा एक फ्रेंड है, एप्पल सर्विस सेंटर में मेरा एक फ्रेंड है, उनसे बात किया तो वो बोलते ऐसा प्रॉब्लम कोई जगह पे नहीं आता, कोई भी जगह पे नहीं आता ऐसा प्रॉब्लम। और एक चीज़, बेसमेंट आईसी का जो 7,500 बोला ना, उसने बोला इतना होता भी नहीं है चार्ज, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला मेरे को, एप्पल सर्विस वाले ने, आपको चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से प्लस हम जहाँ से भी अगर कोई बाहर का फ़ोन लेते हैं कुछ लेते हैं तो उन लोग 3 महीने की मतलब वारंटी देते हैं एटलीस्ट, ठीक है, गारंटी नहीं तो वारंटी देते कि उन लोग कुछ होगा, ठीक है। अभी महीना भी नहीं हुआ, इन लोग मतलब इस तरीके से पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि ये चीज़ हुआ आपकी वजह से, हुआ ये हुआ, जबकि फ़ोन में पूरा दिख रहा है कि कोई भी सिंगल इतना सा भी स्क्रैचिंग है, समझ रहे हो। अब पता नहीं क्या सीन है, बस और कुछ नहीं बोलना है, देखते आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता हूँ। उनको पैसे देने का कुछ आया, मतलब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे देना चाहिए, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ मुझे कमेंट करके, गाइस सपोर्ट करो, दैट्स इट। छोटा सा व्लॉग है, रॉ व्लॉग है, बस और कुछ नहीं, यही बताना था आप लोग को, कुछ नहीं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है बट ठीक है, अभी कुछ बोल नहीं सकता ना, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी रीजन से वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं, टाटा, टेक केयर।